ए शरीरा मेरिया इस जग में आय क्या तुद करम कमाया। हे मेरे शरीर इस जगत विच जन्म लैके तू होर काम ही करदा रहा कि करम कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। जदों दा तू संसार विच आया है तू प्रभु सिमरन तो बिना होर काम ही करदा रहा। जिन हर तेरा रचन रचया सो हर मन ना वसाया। जिस हरि ने तेनू पैदा किया है उसनू तू अपने मन विच नहीं वसाया, उसकी याद विच कदे नहीं जुड़िया। गुर प्रसादी हर मन वसया पूरब लिखिया पाया। पर हे शरीर तेरे भी की वस है। जिस मनुख दे पूर्वले किते कर्मा दे संस्कार उगड़ते हैं गुरु की कृपा नाल उसके मन विच परमात्मा वसदा है, ओही हरि सिमरन विच जुड़दा है। कहे नानक एहो शरीर परवान होआ जिन्हें सतगुर स्यों चित लाया। नानक आखदा है जिस मनुख ने गुरु चरणा विच चित जोड़ लिया उसका यह शरीर सफल हो जाता है। ओ मनुख ओ मनोरथ पूरा कर लेंदा है जिस वास्ते ये बनाया गया। ए नेत्रो मेरे हो हर तुम मैं जोत धरी हर बिन अवर ना देखो कोई। हे मेरियो अखियो परमात्मा ने तुहाडे अंदर अपनी जोत टिकाई है ताई तुसी वेखण जोगियां हो। जिधर तको परमात्मा दा ही दीदार करो हर बिन अवर ना देखो कोई। नदरी हर निहार लिया परमात्मा तो बिना होर कोई गैर ना दिसे। निगाह नाल हरि नू वेखो। ए विस संसार तुम देख दे ए हर का रूप है हर रूप नदरी आया। हे अखियो ए सारा संसार जो तुसी वेख रही हो ए प्रभु दा ही रूप है, प्रभु दा ही रूप दिस रहा है। गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई। गुरु दी कृपा नाल मैनू समझ पई है हुण मैं जदों चुफेरे वेखदा हां हर थां एक परमात्मा ही दिसता है, उस तो बिना होर कुछ नहीं। कहे नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिए दिव दिष्ट होई। नानक आखदा है गुरु नू मिलन तो पहला ये अखियां असल विच अन्नियां सन। जदों गुरु मिलिया इन्हां विच रोशनी आई, इन्हां नू हर थां परमात्मा दिसन लग गया। यही दीदार आनंद मूल है। ए सरवन्य हो मेरे हो साचे सुनो नौ पठाए। हे मेरे कन्नो परमात्मा की सिफसला की बाणी सुनिया करो। सदा तिर करतार ने तुहानू यही सुनने वास्ते बनाया है, इस शरीर विच थापिया है। साचे सुनना नौ पठाए शरीर लाए सुनो सत बाणी। हे मेरे कन्नो परमात्मा की सिफसला की बाणी सुनिया करो। परमात्मा ने तानू इस शरीर विच इसे लई थापिया है। जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी। इस सिफसला दी बाणी दे सुनन नाल तन मन आनंद भरपूर हो जाता है, जीव आनंद विच मस्त हो जाती है। सच अलख विडाणी ताकि गत कही ना जाए। सदा तिर परमात्मा तां अचरज रूप है, उसका कोई चक्कर चहन दस्या नहीं जा सकता। यह नहीं दस्या जा सकता कि वह किहो जिहा है। उसके गुण कहन सुनन नाल सिर्फ यही लाभ हुंदा है कि मनुख नू आत्मक आनंद प्राप्त हुंदा है। कहे नानक अमृत नाम सुनो पवित्र होवो साचै सुनने नौ पठाए। ताहियों नानक आखदा है आत्मक आनंद देन वाला नाम सुनिया करो, तुसी पवित्र हो जाओगे। परमात्मा ने तुहानू यही सुनने वास्ते बनाया है। हर जियो गुफा अंदर रख के वाजा पवन वजाया। परमात्मा ने जिंद नू शरीर गुफा विच टिका के जीव नू बोलन दी शक्ति दिती। वजाया वाजा पवनो द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। शरीर नू बोलन दी शक्ति दिती। नक कन आदिक नौ कर्म इंद्रियां प्रत्यक्ष तौर ते बनाईयां। दसवें दर भाव दिमाग नू लुकवा रखिया। गुरुद्वारे लाए भावनी एक ना दसवां द्वार दिखाया। प्रभु ने जिन्होंने गुरु के दर ते अपड़ा के अपने नाम की शरता बख्शी उन्होंने दसवां द्वार भी विखा दिता। उन्होंने सिमरन की विचार सत्या भी दे दिती जो आत्मिक आनंद का मूल है। तह अनेक रूप नौ नव निध तिस दा अंत न जाई पाया। उस अवस्था विच मनुख नूं अनेका रंगा रूपां विच व्यापक प्रभु का वह नाम रूपा नौ खजानिया का भंडार भी प्राप्त हो जाता है जिसका अंत नहीं पै सकता, जो कदे मुकदा नहीं। कह नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रखै वाजा पवन वजाया। नानक आखदा है प्यारे प्रभु ने जिंद नूं शरीर गुफा विच टिका के जीव नूं बोलन दी शक्ति भी दिती। ए साचा सोहेला साचै कर गावो। हे भाई, परमात्मा दी सिफतला दी ए बाणी साध संगत विच बैठ के गाया करो। गावो ता सोहिला घर सच है जिथे सदा सच त्याव है। उस सत्संगत विच आत्मक आनंद देने वाली बाणी गाया करो जिथे गुरमुख जन सदा थिर रहने वाले प्रभु नू सदा गांदे हन। सचो त्याव है जात दुभाव है गुरमुख जिना बुझाव है। हे प्रभु, तेनू सदा थिर नू तदों ही जीव सिमरदे हन जदों तेनू चंगे लगन जिन्हों तू गुरु दे राही ए सूझ बख्शे। ए सच सबना का खसम है जिस बख्शे सो जन पावे। हे भाई, सदा ते प्रभु सब जीवों का मालक है। जिस जिस उत्ते ओ मेहर करता है ओ जीव तेनू प्राप्त कर लेंदे हन। कह नानक सच सुहेला सचै कर गावे। ते नानक आखदा है ओ सत संगत विच बैठ के प्रभु की सिफतला वाली बाणी गांदे हन। आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे। हे वड्डे भागा वालियो सुनो, आनंद यही है कि उस अवस्था विच मन दियां सारियां दौड़ां मुक जांदियां हन, सारे संकल्प सिरे चढ़ जांदे हन। पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल विसूरे। परम आत्मा प्रभु मिल पैंदा है सारी चिंता चोरे मन तो लै जांदे हन। दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी। अकाल पुरख की सिफतला की बाणी सुनिया सारे दुख रोग कलेश मिट जांदे हन। संत साजन भे सरसे पूरे गुरते जाणी। जेड़े संत गुरमुख पूरे गुरु तो सिफतला की बाणी नाल सांझ पाणी सिख लैंदे हन उन्हां दे हिरदे खिड़ आउंदे हन। सुनते पुनीत कहते पवित सतगुर रहा भरपूरे। इस बाणी नूं सुनन वाले उचारण वाले सब पवित्र आत्मक हो जांदे हन। इस बाणी विच उन्हां नूं सतगुरु ही दिसदा है। बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तूरे। नानक बेनती करदा है जेड़े बंदे गुरु दी चरणी लगदे हन उन्हां दे अंदर एक रस खुशी दे वाजे वज पैंदे हन। उन्हां दे अंदर आत्मक आनंद पैदा हो जाता है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।